दोस्तों हमने इस चैप्टर के दो वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से कृषि के बारे में बताया गया है, कृषि कौन कौन सी प्रकार की किस किस तरीके की होती है। दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कृषि के लिए मिट्टी तैयार किस तरीके से की जाती है, और आज का हमारा टॉपिक है तीसरा, बुआई क्या है। इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। अगर आपने हमारे दो वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियोस को आप नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू देख सकते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा। तो आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बुआई क्या है। आज का टॉपिक हमारे पास में बुआई, जिसमें हम जानेंगे कि बुआई क्या होती है। बुआई फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जो महत्वपूर्ण चरण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारे पास में कौन सा है, बुआई है। बुआई के बिना हम फसल का उत्पादन नहीं कर सकते। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। अच्छे जो बीज होते हैं, जो क्वालिटी वाले बीज होते हैं, जिनसे अच्छी पैदावार मिल सके, जो अच्छे ग्रोथ करेंगे, ऐसे बीजों का पहले हम क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। किसान अच्छी उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे बीजों को चयन किया जाता है जो बीज हमारे पास में अच्छी पैदावार दे। अब बात करते हैं बीजों का चयन कैसे किया जाएगा। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा, मतलब जो पहेली है, उसने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उनमें कुछ पानी डाल रही है। उसने क्या देखा कि उसकी माँ एक बर्तन में कुछ चने के बीज रख के उस बर्तन के अंदर पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लग गए, और उसने देखा कि कुछ बीज उसने पानी के ऊपर तैरने लग गए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैर रहे हैं। तो ऐसे में हुआ क्या कि उसको ये बात जाननी थी कि ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज के बारे में बात करते हैं। आप भी ऐसा एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी कर सकते हैं। एक बीकर लें, उसमें पानी से आधे से भर दें उसको, मतलब पानी से उसको आधा भर दें। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाएं। कुछ समय प्रतीक्षा करें, आप देखेंगे कि उसमें भी कुछ बीज, हल्के बीज होंगे, वो ऊपर तैरने लग जाएंगे। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? बिल्कुल हाँ, हमने भी ऐसा ही देखा कि कुछ बीज जल के ऊपर, पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी, मतलब अगर हम देखें कि हल्की चीज हमेशा पानी में तैरती है, भारी चीज हमेशा क्या होती है, पानी में डूब जाती है, इसका मतलब वो बीज कैसे हैं, भारी है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं। जो बीज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है जिन बीजों का, वो क्या हो जाता है, खोखले हो जाते हैं। इस कारण हल्के होते हैं, और इस कारण क्या हो जाते हैं, वो हल्के हो जाते हैं, अतः यह जल के ऊपर तैरने लग जाते हैं। अच्छे एवं स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने का यह सबसे अच्छी विधि है। इससे क्या किया जा सकता है, जो अच्छे और स्वस्थ बीज हैं उनको अलग करने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो यही है कि बीजों को पानी में डाल दो। जो अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे, अच्छी पैदावार देने वाले बीज होंगे, वो पानी के नीचे रह जाएंगे, और खराब बीज पानी के ऊपर आ जाएंगे। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब बुआई जब करेंगे तो उसके लिए भी हमें कुछ औजारों की आवश्यकता होगी, तो देखते हैं कौन कौन से हमें औजारों की यहाँ पे आवश्यकता होगी। परंपरागत औजार, मतलब ऐसे औजार जो बहुत सालों से चले आ रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार के होते हैं, मतलब एक सिंपल सा कीप होता है, उसके आकार के होते हैं। जैसा कि चित्र 1.2 ए में दिखा रखा है, हमें एक चित्र नीचे दे रखा है, उसको हम देखेंगे। अब बीजों को कीप के अंदर डालने पर या दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइपों से निकलते हैं। अब नीचे कुछ पाइप लगे होते हैं, नुकीले सिरों के पास में पाइप लगे होते हैं, उन पाइपों से बीज निकलते हैं। ये सिरे मिट्टी को बेंध कर, मतलब मिट्टी के अंदर जाकर बीज की स्थापना कर देते हैं या बीज को स्थापित कर देते हैं। होता क्या है, ये हमारे पास में हल हो गया, यहाँ पे जो किसान हल चला रहा है, ये हल हो गया इस तरीके से ये, और यहाँ पे एक कीप नुमा स्ट्रक्चर हो गया। ये देखो कीप होता है, एक पाइप होता है और उसके ऊपर एक कीप होता है, इसके अंदर किसान यहाँ बीज डालता रहता है, और वो बीज यहाँ पे जमीन के अंदर इस हल के साथ में यहाँ गिरते रहते हैं और मिट्टी से दबते रहते हैं। बीज बोने की ये एक हमारे पास में कौन सा तरीका हो गया, पारंपरिक तरीका या पारंपरिक तरीका हो गया, जिससे कि हम पहले बोते आ रहे थे। दूसरा आता है तरीका जो हमारे पास में है, सीड ड्रिलर। सीड ड्रिल क्या करता है कि ये आज के आधुनिक काल का टाइम का युग आ चुका है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका काम में या इसको काम में लिया जाता है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा स्वचालित, या ये कहें कि ऐसी मशीन जो ट्रैक्टर के द्वारा चली जा रही है,
सीड ड्रिल जो कि चित्र में दिखाई गई है का उपयोग किया जाता है। इसमें या इसके द्वारा बीजों के समान दूरी गहराई बनाई रहती है। अब देखो इसका फायदा क्या है, एक तो बीज बराबर बराबर दूरी पे होंगे, सारे जो भी बीज है वो बराबर बराबर दूरी के ऊपर बराबर गहराई में सारे बीज एक ही गहराई में लगेंगे, बराबर गहराई में और बराबर दूरी पे लगेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएंगे। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि सारे के सारे बीज किससे, मिट्टी से ढक भी जाएंगे। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। अब दूसरा फायदा क्या होगा, पक्षियों के द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो होता है समय का और श्रम का। मतलब जो मजदूर लगेंगे खेत में काम करने वाले या ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो दोनों ही चीज बच जाएंगी, टाइम भी बच जाएगा और मेहनत भी बच जाएगी। तो सबसे बड़ा इसका फायदा यही है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बीजों को बो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो बूजू है वो कुछ चीजें देखता है और वो बताता है। मैंने विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी, जिसको पौधशाला नर्सरी बोलते हैं हम सिंपल आसान भाषा में, मैंने देखा कि छोटे मतलब छोटे जो पौधे थे छोटे छोटे थैलियों में रखे हुए थे। इस प्रकार क्यों, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज जमीन में लगाया जाता है, कुछ पौधे या कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके हम क्या करते हैं छोटे छोटे थैलियों में पौधे पहले विकसित करते हैं और उसके बाद में उनको लगाते हैं। जैसे धान जैसे कुछ फसलों के बीज, जैसे धान जो चना गेहूं सॉरी चावल जो हमारे पास होता है, धान जैसे कुछ फसलों के बीजों को पहले पौधशाला में तैयार किया जाता है। जैसे आपने कई सब्जियों के पौधे भी देखे होंगे, जैसे टमाटर बैंगन मिर्ची इनके पौधे देखे होंगे, उसी तरीके से धान के भी बीज पहले क्या किए जाते हैं, धान के पौधे तैयार कर लिए जाते हैं पहले नर्सरी के अंदर और उनको उसके बाद में क्या किया जाता है खेत के अंदर स्थापित किया जाता है या लगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित किया जाता है, हाथों के द्वारा उनको फिर एक एक पौधे को रोप दिया जाता है हाथों में, उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वन्य पौधे पुष्पी पौधों भी किसमें पौधशाला या नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। ऐसे कुछ जो पौधे होते हैं छोटे छोटे हमारे पास घरों में सजावटी पौधे या फिर जो वनों में लगाए जाते हैं पौधे, उनको भी किसमें तैयार किया जाता है पौधशाला या नर्सरी में तैयार किया जाता है। पौधों को अत्यधिक घने, देखो पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखो पौधे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो भी सही से ग्रोथ नहीं करेंगे, इसलिए पौधों के बीच में क्या होना जरूरी है, एक समान दूरी एक बराबर दूरी होना जरूरी है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, अब देखो इससे क्या क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पोषक जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर या हटा दिया जाता है, कुछ पौधों को निकाल दिया जाता है हटा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि जो पौधे बचे हैं उनको अच्छी सूर्य की प्रकाश मिलेगी, पोषण तत्व मिलेंगे और इसके अलावा जल मिलेगा, जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में होगा, खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।